आज बना रही हूँ चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई और ये विदाउट ऑनियन से बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, यहाँ पर मैंने साथ मैंने मीडियम साइज के टमाटे लिए हैं जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पर हमें हाफ कप इसके अंदर ऑयल लगेगा, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। 100 ग्राम हमें इसमें दही लगने वाला है। हमने इसमें यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर ऐड करना है, मतलब कि हरा धनिया। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिर्चे मैंने ली है 2 किस्म की, आप कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 मैंने ये वाली मिर्चे ले ली है जो कि तेज होती है और 2 मैंने फीकी वाली ले ली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हमने गोल्डन मास आने तक, मतलब इसके ऊपर ये देखिए ये सारा डालेंगे और इसके ऊपर गोल्डन कलर का हमें मास आ जाए जब तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए इसके ऊपर, देखिए चिकन के ऊपर ब्राउन पैचेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से कंटिन्यूसली भून लेना है चलाते हुए। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छे से भून गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटे और टमाटे को भी हम अच्छे से गलने तक पका लेंगे, नरम होने तक पका लेंगे इसको। टमाटे जो है अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें, आप चाहो तो इसकी स्कीन भी निकाल सकते हो टमाटों की, बट मैंने नहीं निकाली है। ये देखें अच्छे से टमाटे गल चुके हैं। अभी सारे इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। 2 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। इसका काम सिर्फ भूनने का ही है और हमने स्लो फ्लेम नहीं करना है, फास्ट फ्लेम पे ही हमने इसको भूनना है इस कढ़ाई को। तो बस इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी ये मसाले जो है अच्छे से भून गए, तो अभी इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। 100 ग्राम दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे, पहले सिर्फ मिक्स ही करना है। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम मिर्ची डाल देंगे, तेज वाली भी फीकी वाली भी, और थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया लास्ट में भी ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट हमने अच्छे से कुक करना है, 2 मिनट और पका लेना है। बस मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसको फास्ट फ्लेम पर और कुक। 2 मिनट अच्छे से हो चुका है, तो अभी मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और बस अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो हमारी चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई जो है बनकर तैयार है, तो अभी मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। 2 मिनट अच्छे से हो चुका है, तो अभी मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और बस अभी मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो हमारी चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई जो है बनकर तैयार है, तो अभी मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।